बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बाद भी शराब तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तस्करों का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि उनके सामने कोई भी आए वो परवाह नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है मधुबनी में, जहां शराब तस्कर नेपाल की बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लंदनिया थाना क्षेत्र में लगड़ी बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात SSP जवानों ने उन्हें रोकना चाहा, तो शराब तस्कर उन्हें कुचलकर भाग निकले, जिससे मौके पर ही SSP जवान की मौत हो गई। पोस्टमार्टम हो गया था? पोस्टमार्टम हो गया, सुबह में हम लोग कर दिए, घटना घटी जयनगर में, इन लोग जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए ले गए, लेकिन वहाँ पर जो है उनकी हालत खराब थी, इस वजह से वहाँ के कर गए। क्या हुआ था मतलब पोस्टमार्टम? कुछ स्कॉर्पियो से तो ये हुआ था ना, कुचल दिया। दूसरे जवान भी है? दो जवान है क्या? ना, एक ही जवान है, उन्हीं का बाहर में रखा हुआ है। बताया जाता है कि घटना के बाद जानकारी मिलने पर अन्य जवानों और अधिकारियों के सहयोग से गंभीर अवस्था में जयनगर अनुमंडल हॉस्पिटल लाया गया, जहां जवान ने दम तोड़ दिया। मृतक जवान हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का रहने वाला है। इस घटना से आसपास के क्षेत्र में दहशत है, तो वहीं अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस के वरीय अधिकारी समेत कई थानों की पुलिस घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मधुबनी से कुमार गौरव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।